अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद कुरैशी। मैं आज आप लोगों को एक खातून से मिलाने जा रहा हूं जो हमारे महल्ले की है और बहुत ही गरीब और बहुत ही परेशान है। इस वजह से ये मकसद है मेरा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को, और ये पूरा वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए। हमारे महल्ले के खातून है। बाजी, आपका पूरा नाम बोलिए। आफरीन बेगम। आफरीन बेगम, इनका नाम आफरीन बेगम है और आप बीमार है बहुत दिन से। बहुत दिन से, 6 महीनों से बीमार है। हमको कोई मदद करने वाला नहीं है, ना हमारे रिश्तेदार में मदद करे, ना हमारे शौहर आते ना हमारे पास। 4 बच्चे हमको छोड़ दे के चले गए। हम बहुत लाचार पड़े हुए हैं। दवा को पैसे नहीं है, दवा खाने को पैसे नहीं हमारे पास जाने के रास्ते में। घर का किराया तो ना है, मकान दरा खाली कर दो बोले। घर किराया भी नहीं है, ना दिए तो खाली कर दो। आप तबीयत ख़राब आपकी नहीं रहना बोल के सब मकान दरा भी बहुत ये कर रहे हैं। कोई भी सहारा नहीं है मेरा। आप कोई भी अच्छा उनको देखने वाले हैं तो कोई मेरी मदद करो। मेरी बहुत बहुत दुआ लगेंगी आपको। मेरे को बात करने तक नहीं आ रहा है, बस सांस रुक जा रही है रात में। आपको किस किस्म की बीमारी है? कैंसर है। कैंसर है, कैंसर है मेरे को। कैंसर हॉस्पिटल में और पैसे मांग रहे हैं। मेरे टेस्टिंग कराओ बोल रहे, बहुत कुछ बोल रहे, लेकिन पैसे न रहने से मैं लंबी बहुत पड़ गई हूँ। कुछ नहीं करा सक रही मैं। जाके भी हो रहा भी नहीं कराने के लिए। मेरे को चलने तक नहीं आ रहा। मेरे घर में बच्चा तबीयत ख़राब है, बड़े बच्चे की भी तबीयत ख़राब रहती मेरे। फिर भी बच्चा मेरा काम पे जाके लाया तो झलक दिखता। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं मेरे। बड़े बच्चे काम पे जाते आपके? हाँ, बड़ा बच्चा काम पे जाता है मेरा रोज। कितने कमा के लाते रोज? 100 रुपये लाता बच्चा मेरा। लाया तो घर में बच्चे खाते, छोटे छोटे बच्चे ने तो भूखे रहते बच्चे मेरे सारा दिन। और आपके शौहर? हमारे शौहर नहीं आते हमारे पास। परसों में बहुत भूखे थे बच्चे मेरे। बच्चा काम पे नहीं गए थे, उस दिन तबीयत खराब हो गई थी बच्चे की। आज गए, उनकी भी तबीयत सही नहीं होती। बच्चे की भी बहुत तबीयत खराब होती, बच्चे को भी उनके उल्टियाँ होती मेरे। हम तो बहुत बिस्तर पे पड़े हैं, उठने नहीं आ रहा हमारे को। उठने आ रहा नहीं तो चलने नहीं आ रहा हमारे को। बाहर तक चलने नहीं आ रहा। तो लाचार हो गए, हमारे पास 1 रुपया नहीं है मेरे। कोई तो मदद करो मेरी। सबर करो, इंशाल्लाह हमारे देखने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कोई ना कोई एक जने अल्लाह का बंदा तो जरूर मदद करेगा। तो आप लोग भी जितना हो सके आपसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये क्यों ना होते मदद करिए। मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, इनका अकाउंट दे रहा हूँ, आप अकाउंट में डाल सकते हैं। तो बाजी, आपके कोई रिश्तेदार कोई सपोर्ट नहीं करते आपको? कोई रिश्तेदार सपोर्ट करने वाले नहीं है। कोई आना नहीं बोले घर को, तबीयत खराब है जब से। सास न ससुरे न मरद, कोई नहीं आना बोले मैं। कोई तबीयत खराब है से आते नहीं जाते नहीं, रिश्ता खत्म हो गया बोल दिए। अब ये घर किराए का आपका? हाँ, मेरा घर किराए का 2500 किराया देना है मेरे को। घर को मकान दारा में खाली कर दो बोल रहे मेरे को। मैं बोली 8 दिन ठहरो, 10 दिन ठहरो। मेरे को उठने नहीं आ रहा, बिल्कुल उठने नहीं आ रहा। मैं किसके जाके मंग के नहीं ला सकती, चलने नहीं आ रहा। 15 दिन से मेरे पेट में खाने का दाना नहीं है। मैं बहुत लंबी पड़ी हुई हूँ। मैं आपके बेटे 100 रुपये लाए तो घर चलता। बच्चे 100 रुपये लाया था, ये बच्चों को पका के देते हम लोगों ने, तो बच्चे भी भूखे पड़ जाते। आपका कोई फोन नंबर? 7396648733। और एक बार जोर से बोलिए। 7396648733। तो दोस्तों, ये नंबर लेके जो है सो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास फोन पे भी नहीं है, गूगल पे कुछ भी नहीं है। इनका अकाउंट है, अकाउंट में आप डाल सकते हैं। इनको डायरेक्ट फोन करिए आप लोग, और जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा मदद करिए। चाहे 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, 100 रुपये हो या 500 रुपये हो, आप लोग दिल से करिए। ऊपर वाला नीयत देख के जो है सो आपको उसका अजर जरूर देगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये इनका घर है, ये भी किराए का घर है। इस घर को किराया देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। तो आप लोग जितना हो सके इनकी मदद जरूर करिए। ऐसे लोगों की मदद करने से अल्लाह खुश होता और इसका अजर आपको जरूर देगा। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है मेरे भाई। अगर आपको कॉन्फिडेंस भरोसा नहीं हो रहा तो आप आ सकते हैं। ये एरिया है MM पहाड़ी सुलेमान नगर का, हबीबिया मस्जिद के बैक साइड का हिस्सा है वो। ये आप आके पूछ के भी आप डायरेक्ट भी मदद कर सकते हैं इनको। और इनके डिटेल मैं एंड में डालूंगा वीडियो में। जजाकल्ला खैर, शुक्रिया, दुआओं की गुजारिश। तो दोस्तों, देखे होंगे आपके, ये थे हमारे आफरीन बाजी जो महल्ले के हैं। तो इनके हालात कैसे हैं, तो आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें इनकी। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और जहाँ जहाँ आपके लिंक है, जहाँ जहाँ आपके अकाउंट है, वहाँ पे शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।